हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल उम्मीद कल सब लोग बहुत बढ़िया होंगे बहुत मजे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो बेटा आज हम एक टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो लेके आए जिसके अंदर बेटा हम बात करने वाले हैं फैक्ट्रिंग की तो बेटा फैक्ट्रिंग एक ऐसा टॉपिक है, है जिसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है लेकिन बेटा हमने इस वीडियो को उस हमसे डिज़ाइन किया है कि आप लोगों को फैक्ट्रिंग में इस वीडियो के बाद कभी कोई डाउट कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बेटा इस वीडियो का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है पहले हम सब कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अपना एक एक स्टेप करके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे हर स्टेप के अराउंड क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल देखेंगे और बेटा पूरे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे ठीक है जी तो मेरा नाम है सी एम एन और मैं पढ़ाता हूँ बेटा कॉस्टिंग एंड एफ एम एस एम विथ कपिल गोयल सर इन सी ए इंडिया ठीक है जी आपको अगर बेटा मेरी क्लासेस परचेस करनी है तो आप सी ए इंडिया डॉट वो आर जी पर जाके परचेज कर सकते हैं फास्ट ट्रैक रेगुलर सारे बैचेज अवेलेबल हैं फॉर यू ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टरिंग का टॉपिक तो बेटा फैक्टरिंग होता क्या है पहले ये समझ लीजिए आसान भाषा में देखिए आप है मान लीजिए एक दुकानदार यू आर अ शॉपकीपर ठीक है जी आप हैं एक शॉप कीपर बेटा आपने सामान परचेज करा सपोज क्रेडिटर से आपने बेटा कैटर से सामान परचेज करा दस लाख रुपए का ठीक है जी आपने कैटर से सामान परचेज करा दस लाख रुपए का और आपने उसको कहा कि भाई मुझे दस लाख तो सामान उधार पे दे दें ठीक है जी उसने मान लीजिए आपको थर्टी डेज़ के क्रेडिट पे दे दिया ठीक है जी थर्टी डेज क्रेडिट पे दे दिया आपने यार उससे सामान बनाया ठीक है और उसको आगे जाके बेच दिया मान लीजिए बारह लाख रुपए में बारह लाख में आपने डेटर्स को बेच दिया ठीक है तो आपने दस लाख का खरीदा बारह लाख का बेच दिया मान लीजिए जब आपने डेटर्स को बेचा तो उसने कहा मैं आपको पैसा दूंगा फोर्टी डेज़ में मान लीजिए सर से सेटिंग हुई है कि भैया पैसा मिलेगा फोर्टी डेज़ में अब मुझे एक चीज़ बताओ मुझे एक चीज़ बताओ सर मैंने अपने पास से अभी कोई पैसा लगाया नहीं है मैंने सिर्फ दस लाख यहाँ पे क्रेडिट लिया और बारह लाख यहाँ पे आगे भेज दिया अब मैं फिर से गया क्रेडेटर के पास मैंने क्रेडर से कहा भाई मेरा वाला सामान तो बिक गया तू मुझे ला दस लाख का सामान और दे दे तू मुझे दस लाख का सामान और दे दे क्रेडर ने बोला नहीं भाई पहले पुराना हिसाब साफ़ करो फिर मुझसे नया उधार लेके जाना तो पहले बेटा हमें इसे इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अब भैया पैसे कहाँ से हैं पैसे कहाँ से आए हमारे तो सर मार्केट में उधार लगे हुए हैं जो चालीस दिन बाद आएंगे लेकिन भैया इसका अंदर थोड़ी ना चालीस दिन में धंधा नहीं करूँगा ऐसा थोड़ी ना भाई चालीस दिन में बिज़नेस नहीं करूँगा चालीस दिन खाली बैठ रूँगा नहीं तो हमने क्या करा एक फैसिलिटी निकाली जिसमें बैंक आके बोला फैक्टर क्या होता है सर एक तरीके का बैंक ही होता है मतलब जबकि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं एन बी होती हैं उन सबको अलाउड होता है फैक्टर करने का ठीक है जी तो बेटा जो फैक्टर होता है वो क्या करता है वो कहता है मैं तुमसे ये परचेज कर लेता हूँ मैं ये तुमसे परचेज कर लेता हूँ परचेज कर लेता हूँ मतलब मैंने तुमसे डेटर्स परचेज कर लिए यानी कि कस्टमर जो पैसा उसको देता कंपनी को ठीक है आपको जो पैसा देता वो इसको देने की जगह फैक्टर को देगा ठीक है जी तो जो पैसा आपके पास आता वो आपकी जगह फैक्टर को आएगा और फैक्टर क्या करेगा आज ही आपको कुछ एडवांस दे देगा बारह लाख के अगेंस्ट कुछ एडवांस दे देगा क्या सर पूरा बारह लाख ,00 दे देगा नहीं कुछ कम देगा लेकिन आपको पैसा दे देगा जिससे आप दोबारा से एक राइटर पर जाके दोबारा सामान खरीद के दोबारा बेच सको तो आपकी साइकिल कभी भी ना रुके जस्ट बिकॉज कि आपके ट्रेड रिसिवेबल से अभी पैसा नहीं आया है ठीक है जी तो फैक्टर का काम बेसिकली क्या होता है कंपनियों को ट्रेड रिसिबल खरीद लेना या फिर ट्रेड रिसिवल के बेसिस पे फाइनेंस कर देना ठीक है जी तो आपने सुना होगा फाइनेंस कभी लैंड के बेसिस पे होता है कभी बिल्डिंग के बेसिस पे होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली ये ट्रेड रिसिवल के बेसिस पे फाइनेंस कर देते हैं ठीक है जी तो बेटा ये हमारा मोटा मोटा कंसेप्ट है फैक्टर का ठीक है जी इसके अंदर अभी हम बारीकियों में जाएंगे ये सर हमने सिर्फ ऊपर ऊपर की अभी सरफेस को खाली देखा है अब अंदर डीप डाइव करेंगे ठीक है जी तो फैक्टर क्या होता है फर्म होती है कस्टमर होता है फर्म ने सर कस्टमर को गुड्स बेची तो मतलब आके ट्रेड रिसीवर बन गए ठीक है सर फैक्टर ने क्या करा फैक्टर ने कुछ टर्म्स पे एग्री करा और फर्म को मान लो मान लो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे दस लाख के हैं ना मान लो तुम्हारे दस लाख के डाटा है ना तुम मुझसे आठ लाख ले लो ठीक है उसने उसको आठ लाख दे दी फर्म को अब क्या होगा जो कस्टमर होंगे वो पैसा फर्म को नहीं देगी वो पैसा एक तरीके से फैक्टर के पास जाएगा ठीके? ठीक है जी वो पैसा फैक्टर के पास जाएगा तो बेटा इस तरीके से हमारी साइकिल पूरी हो जाती है ठीक? अब इसे बेटा हम बात करते हैं टर्म्स की कि सर टर्म्स कैसी कैसी हो सकती हैं सबसे पहली बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है रिकॉर्स और नॉन रिकोर्स सर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब बेटा मैं सिंपल सा आपको भाषा में बता देता हूं नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क ट्रांसफर ऑफ रिस्क सर क्या मतलब है इसका बेटा देखो रिकोर्स मतलब क्या है इन केस ऑफ फैक्टर इज अनेबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम फ्रॉनिवल फैक्टर कैन टर्न बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है अगर बेटा फैक्टर ने जैसे मान लो ट्रेड रिसीवल खरीद लिया आपके दस लाख रुपए के वहां पर सर डेटर पैसा ही नहीं दे रहा डेटर ने पैसे ही नहीं दिए तो बेटा अगर आपकी टर्म्स रिकोर्स बेसिस पे हैं अगर आपकी टर्म्स रिकोर्स बेसिस पे हैं तो फैक्टर आएगा कंपनी के पास वो तो कहेगा कंपनी कंपनी देखो तुमने मुझे दस लाख के डेटर बेचे थे हाँ बेचे थे लेकिन वो दस लाख तो मुझे देने को तैयार ही नहीं है तो कंपनी भैया तुम दो मुझे दस लाख रुपए ठीक है मतलब मेरे दस लाख तुम तो वापस करो बेसिकली ये वाली बात हो गई ठीक है तो रिकोर्स में सर फैक्टर को अगर पैसे नहीं मिले डेटर से तो वो कंपनी के पास वापस आ सकता है यानी कि इस केस में मेरे बैड डेट होंगे ऐसा नहीं है मैंने उठा के फैक्टर को बेच दिया तो जो बैड डेट हो ना हो भाई फैक्टर की सजा दी नहीं ऐसा नहीं है अगर बैड डेट होंगे तो मेरे होंगे वो बैड डेट ठीक है नॉन रिकोर्स क्या होता है सर यहाँ पे बैड फैक्टर आपके पास वापस नहीं आएगा अगर वो तो रिकवर नहीं कर पाया मान लो सर उसे दस लाख के डेटस खरीदे आपसे उसे दस लाख नहीं मिले ठीक है फैक्टर को दस लाख रुपये नहीं मिले हैं तो बेटा वो आपके पास वापस नहीं आएगा ये नहीं कहेगा कि भैया दस लाख रुपए मुझे दे दो क्योंकि मुझे डाइटर से नहीं मिले ना नॉन रिकोर्स बेसिस पे है तो बेटा ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको समझने के लिए ठीक है जी तो रिकोर्स मतलब क्या होता है रिकोर्स मतलब वापस आ सकता है नॉन रिकोर्स मतलब वापस नहीं आ सकता है सिंपल सी बात है ठीक है जी तो बेटा अभी तक हमने पहली टर्म देखी है हमने फर्स्ट टर्म देखी है रिकोर्स ठीक है अभी सर हम सब कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी हम टर्म समझते चलते हैं नॉन रिकोर्स ठीक है अब बेटा फैक्टर अपनी कोई एन तो खोल के बैठा नहीं है है ना जी सर कोई वो चैरिटी करने तो बैठा नहीं है सर जब वो डेटस खरीदता है तो वो कुछ कमीशन चार्ज करता है फ्रंट ठीक है वो कहता है अगर मैं तुम्हारे दस लाख के डेटर्स खरीदूंगा तो कुछ परसेंटेज कमीशन होगी जो मेरी फीस है जो मेरी इनकम है भाई फैक्टर भी तो कुछ कमाएगा ना ठीक है फैक्टर भी तो कुछ कमाएगा तो फैक्टर क्या करता है उस फीस को वो रिकवर कर लेता है ठीक है जी तो सबसे पहले हमने टर्म देखी फर्स्ट टर्म देखी हमने सर क्रिकोर्स या नॉन रिकोर्स हो सकता है सेकेंड टर्म क्या होती है कमीशन ठीक है जी जितने के भी ट्रेड रिसीवेबल खरीदता है डेटर उस पर कमीशन चार्ज करता है मान लीजिए आपकी बुक्स में है बीस लाख और उसने कहा दो परसेंट चार्ज करूंगा तो चालीस हजार रुपए अपफ्रंट उसकी कमाई हो जाएगी ठीक है जी किसकी कमाई हो जाएगी फैक्टर की खर्चा किसका होगा कंपनी का तो इसके आगे मैं लिखता हूं इनकम ऑफ फैक्टर ठीक है जी एक्सपेंस ऑफ कंपनी ठीक है जी ये हो गई दूसरी बात अच्छा अब तीसरी टर्म की बात करते हैं बेटा तीसरी टर्म क्या होती है जो फैक्टर होता है वो क्या करता है आपके मान लीजिए दस लाख के डेटर्स हैं तो वो ऐसा नहीं है कि दस लाख के दस लाख आपको रुपए दे देगा वो कुछ रोक के चलता है ठीक है वो कुछ अमाउंट रोक के चलता है ऐसा क्यों करता है वो वो कहता है यार देखो मान लो उसने सौ लाख के तुमसे डाटा खरीदे ठीक है थीके? तो क्या करेगा वो तुम्हें अस्सी लाख रुपये दे देगा ठीक है सर बाकी के बीस लाख का क्या होगा बेटा बाकी के बीस लाख होल्ड पर रहेंगे ठीक है तो बेसिकली आपको अस्सी लाख रुपये दे देगा बाकी के बीस लाख होल्ड पर रहेंगे जब रिकवर हो जाएंगे तो दे देगा ठीक है तो जितना आपने डेटर बेचे ये हैं डेटर होल्ड ठीक है और आपको उसके बदले कुछ अमाउंट मिला इसे हम कहते हैं एडवांस फ्रॉम फैक्टर ठीक है जी तो एडवांस फ्रॉम फैक्टर हमेशा डेटरस सोल्ड से कम होता है क्योंकि भैया फैक्टर अपना कवर करके चलता है और वो कुछ पैसा रोक के चलता है ठीक है जी तो थर्ड टर्म क्या आती है सर रिजर्व बिफोर एडवांस ठीक है जी एडवांस देने से पहले कुछ हम रिजर्व रखते हैं ठीक है जी और बेटा चौथी टर्म क्या आती है चौथी टर्म क्या आती है बेटा ध्यान से समझिए मान लीजिए बेटा जो हमने डेटस खरीदे हैं जो फैक्टर ने डेटस खरीदे हैं वो सिक्सटी डेज में कलेक्ट होते हैं वो सिक्सटी डेज में कलेक्ट होते हैं मान लीजिए सिक्सटी डेज में कलेक्ट होते हैं तो बेटा जो फैक्टर होता है वो कहता है भाई मैं तुम्हें एडवांस तो दे रहा हूँ आज लेकिन ये फ्री में नहीं दे रहा हूँ ठीक है कमीशन जो मैंने फीस चार्ज करी वो अलग है मैं जो तुम्हें आज एडवांस दे रहा हूँ उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा जब तक मेरे को पैसा नहीं मिल जाएगा ठीक है तो बेसिकली फैक्टर को तो साठ दिन बाद पैसा मिल रहा है फैक्टर आज ही दे दे रहा है कंपनी को तो फैक्टर जितना अमाउंट एडवांस में देता है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है ठीक है जी तो या हमारा इंटरेस्ट चार्ज बाई फैक्टर ऑन एडवांस ठीक है जी जो हमने एडवांस दिया है उस पर सर वो फैक्टर पैसा चार्ज करता है ठीक है जी तो बेटा ये मोटी मोटी हम होती है अभी हम कंप्यूटेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हमने सिर्फ बेसिक समझा है ठीक है जी तो ये चार टर्म होती है हमारी जो फैक्टर हमसे एंटर करता है क्या क्या सबसे पहले वो कहता है रिकोर्स होगा कि नॉन रिकोर्स होगा दूसरा वो कमीशन बताता है तीसरा वो बताता है कि कितना एडवांस करेगा और चौथा वो बताता है कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ये चारों चीज़ें हमारी फैक्टर की तरफ से डिसाइड होती हैं मतलब फैक्टर और कंपनी के बीच में म्यूचुअली एग्री होती हैं चलिए अब हम देखते हैं सर हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा देखो सीधी सी बात है वी हैव टू डिसाइड वेदर ट्रेड रिसीवेबल शुड बी गिवेन टू फैक्टर और नॉट सर हमें सबसे पहले यह देखना है कि भैया जो हमें ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हमें फैक्टर कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए कैसे देखेंगे सर सीधी सी बात है मैं बिजनेस मैन में, में देखूंगा अगर मुझे फायदा हो रहा है फैक्टर कराने में तब मैं फैक्टर कराऊंगा अगर मुझे फायदा नहीं हो रहा तो मैं फैक्टर नहीं कराऊंगा तो बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं नेट बेनिफिट फ्रॉम फैक्टरिंग। भाई फैक्टरिंग कराने के बाद मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है तो उसमें बेटा दो चीजें हम कंप्यूट करते हैं सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग सर फैक्टरिंग करने की वजह से जो हमारी सेविंग हुई वो ठीक है लेस कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग ठीक है जी तो सर जो हमारी सेविंग हुई फैक्टरिंग करने की वैसे वो और बेटा जो हमारी कॉस्ट इंकर हुई फैक्टरिंग करने की वैसे वो सर कॉस्ट क्या क्या इंकर होंगी बेटा कॉस्ट आपकी मेनली दो इंकर होंगी फैक्टरिंग की वैसे पहली तो होगी आपकी पहली होगी आपकी क्या कमीशन और दूसरी होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन एडवांस ठीक है जी यही दो कॉस्टिंग करोगी हाँ सर यही दो कॉस्टिंग करूंगी हमारी फैक्टरिंग की वजह से निकालेंगे कैसे उसे देखेंगे ठीक है अभी हमने देख ला कॉस्ट काउंसिलिंग करोगी बेनिफिट क्या क्या होंगे बेटा हमारी कलेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी कलेक्शन कॉस्ट या फिर इसे एडमिन कॉस्ट के नाम से भी बोला जाता है बेटा जब आपको ट्रेड ट्रेडिवल रिकवर करने हैं तो आप दो एम्प्लॉय बिठा के रखोगे वो हो सकता है बार बार सर किसी और स्टेट में ट्रैवल करें पैसा लेके आने के लिए डेटर से ठीक है उनसे एग्रीमेंट वगैरह करें टर्म्स डिसाइड करें तो वो सारा काम तो बैंक का हो जाता है तो आपकी ये कॉस्ट बच जाती है तो जितनी भी अवॉइडेबल एडमिन और कलेक्शन कॉस्ट होती है वो आपकी सेव हो जाती है ठीक है जी तो एक तो ये फ़ायदा है दूसरा क्या है सर अगर आप नॉन रिकोर्स बेसिस पे होते हो अगर आप नॉन रिकोर्स बेसिस पे होते हो मतलब जो बैड डेट होंगे वो फैक्टर के होंगे तो आपके बैड डेट भी बच जाते हैं ठीक है जी तो सर ये दो चीज़ें हैं जो हमारी फ़ायदा होती हैं सर जो ये दो हैं ये हमारी कॉस्ट इंकर होती हैं क्या सर इसके अलावा भी कोई और फ़ायदा या कॉस्ट हो सकती है बिल्कुल हो सकती है अभी हम सर एक एक स्टेप करके चलते हैं चलिए तो सबसे पहला एक क्वेश्चन देखते हैं हम आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है देखते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या बोला है अब फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड अ कंपनी टू बाय इट्स अकाउंट अकाउंटिवल बेटा एक फैक्टर की कंपनी ने ऑफर दिया है कंपनी को कि भैया हम आपके अकाउंट अकाउंटल खरीदना चाहते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है द करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनी इज एट्टी डेज बेटा अस्सी दिन के अंदर कंपनी कलेक्ट करती जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला था फोर्टी यहाँ पे एट्टी डेज है एंड हाफ परसेंट ऑफ डेट इज डिफॉल्ट बेटा अभी जब हम खुद से कलेक्ट करते हैं तो आधा परसेंट हमारा बेड डेट का परसेंटेज आती है द फैक्टर हैज़ एग्रीड टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर सिक्सटी डेज फैक्टर ने बोला भाई तुम करते होंगे अस्सी दिन में मैं करके लाऊंगा साठ दिन में ठीक है जी डेट फैक्टर जोश में आ गया बोला तुम करते हो कंपनी अस्सी दिन में मेरे पास बहुत बड़ा इको है मेरे पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मैं साठ दिन में रिकवर करके लाऊंगा तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से समझिएगा एंड इट विल सफर ऑल द लॉसेस ऑफ बैड डेट्स और फैक्टर ने ये भी कहा कि भाई जो बैड डेट होंगे मेरे होंगे तुमसे मतलब नहीं है ठीक है तो ये किस पे हो गया नॉन रिकोर्स बेसिस पे हो गया ठीक है जी नॉन रिकोर्स बेसिस पे हो गया है तो बेटा आपने पहला क्या देखा सर अस्सी दिन के साठ दिन हो जाएंगे ठीक है जो पैसा हम अस्सी दिन में कलेक्ट करते थे डेटर सिक्सटी डेज में करेगा दूसरा क्या होगा सर जो डेट्स हमें होते थे अब वो किसके होंगे फैक्टर को होंगे चलिए फैक्टर विल चार्ज टू परसेंट कमीशन बेटा दो परसेंट कमीशन फैक्टर चार्ज करेगा ठीक है जी द कंपनी स्पेंड्स रुपीज वन लैक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट बेटा कंपनी एक लाख रुपए का खर्चा करती थी कलेक्शन करने के लिए अब वो नहीं होगा क्योंकि हमने फैक्टर को बेच देंगे तो एनुअल क्रेडिट सेल बेटा पूरे साल की हमारी जो क्रेडिट सेल है वो नाइन्टी लाख रुपीज़ की मतलब सर वो सेल जिसके डेटर बनते हैं तो बेटा अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको टोटल सेल दी जाए तो आप उसमें से कैश हटा के क्रेडिट सेल पे ही सारा काम करेंगे ठीक है जी तो कहा जो टोटल क्रेडिट सेल है हमारी वो है नाइन्टी लाख जिसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है एट्टी परसेंट क्यों दिया सर ये समझेंगे कोई बात नहीं द कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरेंगे फिफ्टीन परसेंट पर है ना एज्यूम थ्री सिक्सटी फाइव डेज देना ये चलिए ये आपको बता रखा है अब सबसे पहले आते हैं सर हम इसमें कि हमें ये कैसे कंप्यूट करना है देखो हमें मोटा मोटा दिमाग में पता है कि पहले हम बेनिफिट निकालेंगे फिर हम कॉस्ट निकालेंगे है ना जी बेनिफिट निकालेंगे कॉस्ट निकालेंगे सर क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये कहा है कि फैक्टर आपको पैसा एडवांस देगा नहीं सर यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कहा है कि फैक्टर पैसा आपको एडवांस देने वाला है इसका मतलब सर मुझे एडवांस कुछ नहीं आएगा सिर्फ मुझे फैक्टर कलेक्ट करके देगा ठीक है तो मैं फैक्टर से कोई एडवांस पैसा नहीं ले रहा हूँ जब एडवांस पैसा नहीं ले रहा हूँ तो सर मैं उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा अरे भाई जब मैंने तुमसे फैक्टर कुछ उधार लिया ही नहीं तो मैं तुमसे तुमको इंटरेस्ट क्यों दूँ तो कोई इंटरेस्ट नहीं भी दूंगा ठीक है तो बेसिकली सर जो कॉस्ट में हमारी एडवांस पे इंटरेस्ट आता था वो ख़त्म हो गया ठीक है जी चलिए अब सर बेनिफिट की बात कर लेते पहले बेटा हमारा एक बेनिफिट क्या हुआ सर एक बेनिफिट हुआ जो हाफ परसेंट के डेटर हमारे बेड डेट हो जाते थे वो नहीं हुए तो जितने भी बेड डेट होते होंगे पूरे साल में वो हमारे अब नहीं होंगे तो एक सेविंग तो ये हो गई ठीक है सर दूसरी सेविंग क्या हुई बेटा जो हमारी एडमिन कॉस्ट होती थी जो हमारी एडमिन कॉस्ट होती थी वो अब इनकन नहीं होगी तो एक सेविंग ये हो गई और सर तीसरी सेविंग भी हुई है इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना कई सारी सेविंग और कई सारी कॉस्ट हो सकती है तीसरी सेविंग क्या हुई है बेटा जो पैसा मेरा एट्टी डेज तक स्टक रहता था जो पैसा मेरा एट्टी डेज तक फंसा रहता था वो अब सिक्सटी डेज में मुझे मिल जाएगा यानी कि ट्वेंटी डेज़ मुझे पैसा जल्दी मिल जाएगा यानी कि सर ट्वेंटी डेज का जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या ट्वेंटी डेज़ का जितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो कम पे करूँगा मान लो मान लो सर मेरे पास पैसा जब अस्सी दिन में आता था तो मैंने कोई लोन ले रखा था उसकी अस्सी दिन बाद रीपेमेंट करता था अब वो पैसा मेरे पास साठ दिन में आ जाएगा तो मैं साठ दिन में रीपेमेंट कर दूंगा इसलिए मैं बीस दिन का क्या बचा लूँगा इंटरेस्ट बचा लूँगा तो बेटा तीन तीसरी सेविंग मेरी ये हो गई तो तीन सेविंग हो रही यहाँ पे बैड डेट आपका जो अवॉइडेबल कॉस्ट है और जो आपका जल्दी पैसा आ गया निकाले कैसे वो देखते हैं हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया तीन सेविंग हमारी कॉस्ट की बात करें बेटा तो कॉस्ट हमारी सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि है कमीशन कॉस्ट ठीक है जी कॉस्ट हमारी सिर्फ और सिर्फ एक है कमीशन कॉस्ट चलिए अब बात करते हैं सर सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं कमीशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा आपकी पूरे साल में सेल कितनी है सर नाइन्टी लैक्स की तो देखो समझो उसका लॉजिक समझो पहले ठीक है जी नाइन्टी लैक्स की आपकी सेल है तो अगर मैं डेटर्स की बात करूं अगर मैं डेटर्स की बात करूं तो आपकी बुक्स में कितने डेटर होंगे सर 80 दिन का करंट रिकवरी पीरियड है तो 80 डिवाइड बाई 360 ठीक है जी 80 डिवाइड बाई 360 सिक्सटी आपकी बुक्स में डेटर होंगे तो अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लू जरा एक बार इंटू एटी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी तो बेटा आपकी बुक्स में बीस लाख के डेटर होंगे होंगे नहीं होंगे हाँ जी सर बीस लाख के डेटर होंगे मेरी बुक में कैसे निकाला सर मेरी क्रेडिट सेल जिस पे कितना मैं पीरियड कलेक्शन के लिए लेता हूँ डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी ठीक है जी तो बीस लाख डेटर होंगे मेरी बुक में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है पूरे साल में सर मैं उसे कितने डेटर बेच दूंगा सर पूरे साल में मैं उसे नाइन्टी लैख के डेटर बेचूंगा एक बार ट्वेंटी लैख फिर ट्वेंटी लैख फिर ट्वेंटी लैख फिर ट्वेंटी लैख फिर ट्वेंटी लैख पूरे साल में सर नब्बे लाख के डेटर ही बिकेंगे क्यों क्योंकि नब्बे लाख की ही मेरी क्रेडिट सेल है तो एक बारी में दूंगा मैं कितना सर दो परसेंट कमीशन फिर अगली बार दूंगा दो परसेंट कमीशन फिर अगली बार दूंगा दो परसेंट कमीशन पूरे साल में कितना कमीशन दूंगा सर जितनी पूरे साल की सेल है ठीक है जी पिछले जितनी पूरे साल की सेल है उसका दो परसेंट में कमीशन दे दूंगा तो अगर आप यहाँ पर कॉस्ट देखें बेटा तो क्या आ रहा है नाइन्टी लैख इंटू टू परसेंट हम जब बेटा कॉस्ट निकालते, है निकालते हैं ना एनुअल बेसिस पर निकालते हैं ठीक है बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं इसलिए मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं एनुअल बेसिस पे निकालते हैं हमने कॉस्ट निकाल दी आप देखोगे यहाँ पे और कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि सर इंटरेस्ट हमारे में है ही नहीं मेरा दादा दो कॉस्ट है एक इंटरेस्ट की और एक आपकी कमीशन की कमीशन हमने कर दिया कंप्यूट इंटरेस्ट सर यहाँ पे है नहीं क्योंकि हमने कुछ एडवांस दिया ही नहीं अब बात करते हैं सर सेविंग की सबसे पहले सर निकालना बहुत आसान है सर एक लाख रुपये हमारी एडमेंट कॉस्ट बच रही है दूसरी निकालना उससे ज़्यादा आसान है सर क्या हमारे बेड डेट्स बच रहे हैं बेटा बेड डेट्स कितने होते थे सर पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ नाइन्टी लैक यही होते थे ना हाई सर यही होते थे तो दूसरी सेविंग हाई फोर्टी फाइव थाउजेंड ये आ गई ठीक है जी थी? तो हमने सर दोनों सेविंग निकाल ली और एक हमने क्या निकाल दिया अपना फैक्टरिंग की कॉस्ट अब तीसरा पॉइंट सर जो मैंने आपको बताया था कि हमने बीस दिन की सेविंग करी थी तो मैं क्या मान के चलता हूँ देखो मैं क्या मान के चलता हूँ कि मैंने नब्बे लाख का लोन रीपे कर दिया होगा ठीक है मैंने नब्बे लाख का लोन रीपे कर दिया होगा कर दिया होगा हाल से अगर मैं फैक्टर को नहीं हायर करता तो एट्टी डेज में करता अगर मैंने फैक्टर को हायर कर लिया तो सिक्सटी डेज में कर लिया तो बेटा यहाँ पे मैं कितना इंटरेस्ट पे करता मान लो नब्बे लाख का लोन है तो बेटा मैं अस्सी दिन में कितना इंटरेस्ट पे करता सर नाइन्टी लैख इंटू एट्टी डिवाइड बाई कितने दिन लिया हमने इस क्वेश्चन में थ्री सिक्सटी फाइव इंटू बेटा कितना परसेंट हमारा था सर पंद्रह परसेंट था कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंटू फिफ्टीन परसेंट तो कितना आ गया, गया ,00 ,00, 80, भाई तो आ गया नाइनटी लैक इंटू एट्टी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इंटू फिफ्टीन परसेंट ठीक है जी तो टू लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी इतने का इंटरेस्ट में पे कर रहा होता लेकिन अब जब मैंने सिक्सटी डेज़ में पे कर दिया क्योंकि फैक्टर ने मुझे जल्दी कलेक्ट करके दे दिया तो मैं कितने का इंटरेस्ट पे करूँगा सर सिक्सटी डेज़ का है ना जी सिक्सटी डेज़ का करूँगा ये कितना आ जाएगा सर तो ये आ जाएगा इंटू सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इंटू पॉइंट वन फाइव यह आ जाएगा बेटा टू टू वन नाइन वन सेवन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा ठीक है जी अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूँ टू नाइन्टी फाइव एट नाइन्टी माइनस टू टू वन नाइन वन सेवन तो बेटा सेवन ठीक है जी अच्छा ठीक है तो बेटा इनके बीच का हमारा डिफरेंस आ जाएगा सेवन थ्री नाइन सेवन थ्री ठीक है जी हमने सर मतलब अगर बोरिंग उठा रखी होती तो हम इतना पैसा बचा लेते बचा लेते नहीं बचा लेते हाँ जी सर बिल्कुल बचा लेते अब बेटा मुझे एक चीज़ बताओ देखो अब यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट दो कॉल लेता है वो मान के चलता है कि जो पूरे पैसे आए हैं उसको मैं रीपे कर दूंगा एज इट इज बॉरिंग का या फिर इसके अगेंस्ट जो मेरी कॉस्ट थी उसको रीपे कर दूंगा यानी कि कॉस्ट कितनी थी सर एट्टी परसेंट थी तो यहाँ पे एट्टी परसेंट भी कंसिडर कर लेते हैं ठीक है अभी सर आप ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बेटा अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस चीज़ को ठीक है अभी आप ये मान लो जब हम सेविंग निकालते हैं जब हमारे नंबर ऑफ डेज कम होते हैं तो हम सेविंग निकालते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एक होता है कॉस्ट ऑफ़ सेल्स पे निकालने की और दूसरी होती है सेल्स अमाउंट पे निकालने की ठीक है एक ऑप्शन होता है सर कॉस्ट ऑफ सेल पर निकालने की एक ऑप्शन होती है सेल्स अमाउंट पे निकालने की ओहो ठीक है एक ऑप्शन होता है सर कॉस्ट ऑफ सेल पर निकालने की एक होती है सेल्स अमाउंट में निकालने की दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास हम सर हमेशा कॉस्ट ऑफ़ सेल्स पे ही निकालते हैं ठीक है क्यों निकालते सर हमेशा कॉस्ट ऑफ़ सेल्स पे क्योंकि ये मान के चलता हूँ जितनी मैंने बोरिंग उठाई होगी वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ़ सेल अमाउंट की उठाई होगी मैं प्रॉफिट की बोरिंग से नहीं उठाता हूँ अरे भाई मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाने में अस्सी रुपये लगाए प्लस बीस रुपये उससे प्रॉफिट लगाया और सौ रुपये में भेज दिया डेटर को तो बेटा मैं सौ रुपये की बोरिंग उठा रहा हूँ यह अस्सी रुपये की सर ऑब्वियसली अस्सी रुपये की बोरिंग होगी है ना तो इसलिए सर हमेशा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल पे लेते हैं इसलिए है मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके दिखाया है कि भैया कॉस्ट ऑफ सेल पे आप ले लेना उस केस में बेटा आपका अमाउंट कितना आएगा सर उस केस में आपका अमाउंट आएगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड वन सेवेंटी एट कैसे निकाला हमने सर नाइनटी लैक जो सेल थी पूरे साल की इंटू एट्टी परसेंट जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई इंटू पंद्रह परसेंट और बीस दिन का हमें फ़ायदा हुआ होगा तो एट्टी माइनस सिक्सटी कर दिया डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो हमारी सर जो इंटरेस्ट की सेविंग हुई है वो ये फिफ्टी नाइन थाउजेंड वन सेवेंटी क्या है बोरिंग डन फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है, है? जी जो हमने बोरिंग करी थी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर करी थी ठीक है तो बेटा इस तरीके से ठीक है जी इस तरीके से सर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने कहा सर बेनिफिट है हमारे दो लाख चार हज़ार और हमारे सर जो एक्सपेंसेस हैं वो है वन लाख एटी थाउजेंड मतलब सर बेनिफिट ज़्यादा हैं तो हमें फैक्टर की सर्विसेज लेनी लेनी चाहिए ठीक है जी तो इस तरीके से बेटा फैक्टर का आपने एक क्वेश्चन कर लिया पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन है इस इसमें सर एक दो एडजस्टमेंट आप और एड होंगी वो हम एक एक करके देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं चलिए आपकी स्टडी का क्वेश्चन है अ फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल ऑफ थ्री सिक्सटी लैख उसने क्रेडिट सेल बोल दिया है टोटल सेल दे रखी हो बेटा तो उसमें से क्रेडिट सेल अलग कर लेना तो days, ठीक है तो उन्होंने कहा भैया सेल है थ्री सिक्सटी लैख की इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है थर्टी डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड इज थर्टी डेज ठीक है जी द फाइनेंशियल कंट्रोल एस्टीमेट बेड डेट लॉसेज वर अराउंड टू परसेंट दो परसेंट के आपके बेड डेट होते हैं द फर्म स्पेंड वन फोर्टी लैख एनुअली ऑन डेटा एडमिनिस्ट्रेशन बेटा दो लाख आपके एडमिन कॉस्ट जाती है दिस कंप्राइज ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्सविल अलॉन्ग विद सैलरीज ऑफ स्टाफ मेम्बर दीज आर दी अवॉयडेबल कॉस्ट ये सारा हम अवॉइड कर सकते हैं इसका मतलब अगर मैं फैक्टर पर जाऊँगा तो मुझे ये पे नहीं करना पड़ेगा तो ये मेरी सेविंग हो जाएगी अगर यही अनअवॉइडेबल होती तो सर ये मेरी सेविंग नहीं होती क्योंकि चाहे मैं फैक्टर पर जाऊँ ना जाऊँ ये मेरी इंकर होती रहती ठीक है जी तो मैं कह रहा हूँ सर वन लैख फोर्टी थाउजेंड मेरी सेविंग हो जाएगी क्योंकि अवॉइडेबल कॉस्ट है आप फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड टू बाय द फर्म डिज एबल देविल चार्जर कमीशन ऑफ वन परसेंट एंड विल पे एन एडवांस लो जी लो एडवांस आ गया अगेंस्ट रिसिवेबल ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ फिफ्टीन परसेंट वो कह रहे हैं कि रिसिवेबल पे एडवांस पे कर देंगे लेकिन पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आफ्टर विद होल्डिंग टेन परसेंट एज रिजर्व वो कह रहे हैं दस परसेंट रिजर्व भी रखेंगे मैंने कहा था ना पूरा अमाउंट पे नहीं करते कुछ रिजर्व रख के चलते हैं एनालाइज वॉट शुड द फर्म डू एज यू थ्री सिक्सटी डेज इन अयर वो कह रहे हैं भैया फर्म को क्या करना चाहिए तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं हमारी सेविंग कहाँ कहाँ हो रही है देखो सर एक सेविंग तो हमारी बड़ी क्लियर कट है यहाँ हो जाएगी दूसरी सर जो बैड डेट है इसमें कोर्स नॉन रिकॉर्स बोला नहीं कुछ इसमें बोला नहीं सर कोर्स रिकोर्स क्या होगा कि सॉरी रिकॉर्स होगा कि नॉन रिकॉर्स होगा तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि भैया नॉन रिकॉर्स होगा यानी कि बैड डेट होंगे तो फैक्टर के जिम्मे हैं तो बेटा एक सेविंग हो गई हमारी ये एडमिन कॉस्ट दूसरी सेविंग हो गई सर हमारी कौन सी बैड डेट्स की ठीक है अब आते सर कॉस्ट पे बेटा कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एक कॉस्ट हो गई हमारी ये जो कि है कमीशन ठीक है जी हम पूरी सेल्स पे एक परसेंट कमीशन देंगे और दूसरी कॉस्ट क्या होगी सर हमारी यहाँ इंटरेस्ट ऑन एडवांस ठीक है तो सर हमने क्या करना है बहुत ही सिंपल है बैड डेट हमें निकालने आते हैं सर दो परसेंट पूरी सेल्स का बैड डेट निकाल लेंगे सेविंग आ गई सर हमारी एडमिन कॉस्ट तो निकली हुई पक्की पकाई दे रखी वन लाख फोर्टी थाउजेंड वो आ गई तो अगर हम बेनिफिट की बात करें अगर हम बेनिफिट की बात करें बहुत सिंपल है सर वन लैख फोर्टी थाउजेंड हमारी एडमिन कॉस्ट और थ्री सिक्सटी लैख का टू परसेंट हमारे बैड टेट्स ठीक है जी तो ये हमारी सर एनुअल सेविंग आ गई अब आ जाते हैं सर एनुअल कॉस्ट पर बेटा एनुअल कॉस्ट पहली वाली निकालना तो बहुत आसान है पहली वाली तो निकालना बहुत आसान है क्यों सर थ्री सिक्सटी लैख का वन परसेंट आपका कमीशन आएगा विच कम्स आउट टू थ्री पॉइंट सिक्स लैख बहुत आसान है सर अब हम बात करते हैं सर इंटरेस्ट चार्ज हमारा कितना आएगा इंटरेस्ट चार्ज सर किस पे लगेगा इंटरेस्ट किस पे लगेगा सर जितना अमाउंट एडवांस में पे होगा अब सर कितना अमाउंट एडवांस में पे होगा जरा उसकी कंप्यूटेशन देख लेते हैं सर आप जब गए अपने फैक्टर के पास तो आपने कहा फैक्टर भाई फैक्टर भाई ऐसा करो हमें कुछ एडवांस दे दो हमारे ट्रेड रिसीवेबल ख़रीद लो उसने कहा ठीक है बताओ तुम्हारी बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं कितने खरीदूँ मैं तो आप कहोगे देखो जी देखो हमारी बुक्स में जो ट्रेड रिसीवेबल है ना वो थ्री सिक्सटी लैख के हैं नहीं भाई ये पूरे साल की सेल है ये पूरे साल की सेल है ट्रेड रिसल कितने दिन के होंगे सर खाली थर्टी डेज के क्योंकि थर्टी डेज के हमें कलेक्शन में टाइम लगता है ठीक है तो जब आप गए फैक्टर के पास सबसे पहले आप ट्रेड रिसिएबल निकालोगे कि आपके बुक्स में ट्रेडियबल हैं कितने तो आप कैसे निकालोगे 360 सिक्सटी लैख इंटू थर्टी डिवाइड बाई थ्री कितना आ गया जी 360 सिक्सटी लैख इंटू थर्टी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी तो बेटा थर्टी लाख के आपके ट्रेड रिसवेबल आ चुके हैं ठीक है थीके? तो सर ये पैसा ये ट्रेड रिसबल फैक्टर खरीदेगा अब इसमें से सर डिडक्ट क्या करेगा सर हमको बोला गया था कि दस परसेंट वो रिजर्व रोकेगा दस परसेंट किसका सर ट्रेड रिसेवेबल का तो दस परसेंट ऑफ थर्टी लाख ये उसने रोक लिए तीन लाख ठीक है जी थी? सर और कुछ भी रोकेगा क्या हाँ बेटा एक चीज़ वो और रोकेगा वो कहेगा जितना भी कमीशन है जितना भी कमीशन है वो भी मैं डिडक्ट कर लेता हूँ हैंड टू हैंड तुम मुझे पैसा दो ना दो मुझे नहीं पता मैं कमीशन तुम्हें नेट करके दूंगा तो बेटा कमीशन कितना था सर हमारा दो परसेंट का तो कितना हम रिड्यूस कर देंगे सर थ्री पॉइंट सिक्स लैख रिड्यूस कर देंगे बेटा नहीं ये ध्यान रखना थ्री पॉइंट सिक्स लैख पूरे साल का है हम यहाँ पर कितना डिडक्ट करेंगे खाली सर जो तीस लाख पे जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पर सर हमारा आ जाएगा एक परसेंट ऑफ तीस लाख यानी कि तीस हजार ठीक है जी तीस हजार हमारा ये आ गया तो बेटा अब हमारा एडवांस का अमाउंट निकल के आ जाएगा यानी कि थर्टी लैख उसमें से तीन लाख मैंने रिजर्व रोका और थर्टी थाउजेंड मैंने अपना कमीशन काट लिया तो बेसिकली आपको एडवांस कितना मिला सर हमें एडवांस मिला ट्वेंटी सिक्स लैख सेवेंटी थाउजेंड एडवांस अवेलेबल इतना हम एडवांस पे कर सकते हैं अब इस एडवांस पर बेटा हमारा क्या लगेगा सर इस एडवांस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना इंटरेस्ट चार्ज करते थे सर ये लोग सर ये लोग करते थे पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करते थे तो अगर आप वर्किंग नोट दिखाऊं मैं आपको देखो हमने कमीशन काटा होगा तीस हज़ार रुपये हमने रिजर्व काटा होगा तीन लाख रुपये तो हमने कितना पैसा पे करना होगा ट्वेंटी सिक्स लैख सेवेंटी थाउजेंड लेकिन फैक्टर क्या करता है इसमें से इंटरेस्ट भी डिडक्ट करके पे करता है आपको आपको क्या करता है इंटरेस्ट भी अप फ्रंट काट लेता है वो कहता है भैया तीस दिन का इंटरेस्ट पंद्रह परसेंट के हिसाब से कितना हो गया ट्वेंटी सिक्स लैख सेवेंटी थाउजेंड इंटू फिफ्टीन परसेंट इंटू थर्टी डेज तो तीस दिन में सर उसका पैसा वापस मिलेगा हाँ इससे तीस दिन में उसका पैसा वापस मिलेगा तो बेटा तीस दिन के इंटरेस्ट आ गया थर्टी थ्री सेवन थ्री सेवेंटी फाइव तो नेट नेट आपके पास बैंक में कितना पैसा आया ट्वेंटी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स ट्वेंटी फाइव ठीक है जी नेट अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक फिर से समझेंगे फिर से समझेंगे सर हुआ क्या है बेटा तीस लाख आपके ट्रेड ट्रेडिसबल थे जो हमने निकाल लिए तीस दिन के उसमें से लेस कर दिया आपने कमीशन उसमें से लेस कर दिया रिजर्व तो आपको ट्वेंटी सिक्स लैख सेवेंटी थाउजेंड मिल सकते हैं लेकिन फैक्टर ने कहा भाई मैं इंटरेस्ट भी तुम्हें काट के दूंगा तो इंटरेस्ट कंप्यूट करा उसने पंद्रह परसेंट के हिसाब से तीस दिन का और हमने थर्टी थ्री थ्री सेवेंटी फाइव काटा और हमें सर एडवांस मिल सकता है ट्वेंटी सिक्स तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया एडवांस कितना देंगे तो आपको एडवांस कंप्यूट करना पड़ेगा चलिए तो बेटा हमने यहां पे अब देखो फर्क देखो यहां पे हमने कमीशन की कॉस्ट कितनी ली थर्टी थाउजेंड ये सर एक बारी की थर्टी डेज के डेट्रस पे था यहां पे जब बेटा हम कॉस्ट लेते हैं तो हम पूरे साल का लेते तो हमने क्या करा थर्टी थाउजेंड थर्टी डेज़ के नहीं था तो थ्री सिक्सटी के नहीं कितना आएगा थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड तो बेटा आप कमीशन को दोनों तरीके से निकाल सकते हैं जो ऊपर डेटर्स निकाला था ऊपर डेटस पे निकाला था वो थर्टी डेज़ का था तो उसे आप पूरे साल का बना दो या फिर पूरे साल की सेल पे एक परसेंट लो दोनों तरीके से आप लोग पूरे साल का कमीशन निकाल सकते हो देखो जब हम फ़ायदा पूरे साल का देख रहे हैं हम कॉस्ट भी पूरे साल की देखेंगे ये जो कॉस्ट है ये वाली जो कॉस्ट है और जो ये वा, ये वाली कॉस्ट है है ना जी ये जो दोनों कॉस्ट है ये खाली इस थर्टी डेज़ की हैं हम पूरे साल की निकलने के लिए क्या करेंगे इसे डिवाइड बाई थर्टी इंटू थ्री सिक्सटी कर देंगे ठीक है तो इसी तरीके से देखेंगे आप कमीशन को हमने डिवाइड बाई थर्टी इंटू थ्री सिक्सटी कर दिया और इंटरेस्ट चार्जेस को भी उन्होंने डिवाइड बाई थ्री थर्टी इंटू थ्री सिक्सटी कर दिया है तो बेटा इस तरीके से हमारी एनुअल कॉस्ट आ गई सेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड और बेटा हमारे नेट बेनिफिट आ गए हैं नाइन्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बेटा इस तरीके से हम लोग एडवांस निकाल के उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं ठीक है तो हमने सर दो क्वेश्चन देखे एक क्वेश्चन क्या था पहला सर जिसमें हमने एडवांस नहीं पे किया था दूसरा क्वेश्चन क्या था सर जिसमें हमने एडवांस पे किया था पहले क्वेश्चन में सर नया पॉइंट क्या था मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो रहा था दूसरे क्वेश्चन में सर क्या पॉइंट था एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस नहीं हो रहा था तो थर्टी का थर्टी डेज ही था लेकिन यहां पे मुझे एडवांस मिल रहा था अब इन दोनों क्वेश्चन का हम हाइब्रिड देखेंगे मतलब सर मुझे एडवांस भी मिल रहा है और मेरा कलेक्शन पीरियड भी रिड्यूस हो रहा है ठीक है जी थी? तो बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका मई चौबीस के पेपर में चलिए क्या है क्वेश्चन पढ़ते है ध्यान से फॉलोइंग इज द सेल्स इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्राइट लिमिटेड बेटा एनुअल सेल्स है नाइन्टी परसेंट क्रेडिट पर तो बेटा ये टोटल सेल है लेकिन इसका नाइन्टी परसेंट हम क्रेडिट में कंसिडर करके चलेंगे ठीक है क्रेडिट पीरियड है बेटा फोर्टी फाइव डेज हम पैंतालीस दिन का उधार देते हैं लेकिन पैसा हमारा सेवेंटी डेज में कलेक्ट होता है तो बेटा ऐस कुछ पैंतालीस दिन का रेलिवेंस रह नहीं गया जब आपको क्रेडिट पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों दे रखे हों तो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड में बात करेंगे चलिए बैड डेट्स हमसे कहा गया पॉइंट सेवन फाइव परसेंट होंगे और हमारी जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो एटीन लैख सिक्सटी थाउजेंड है जिसमें से टू फिफ्थ अनअवॉइडेबल है सॉरी टू फिफ्थ ही अवॉइडेबल है तो मतलब सर जो हमारा बेनिफिट होगा वो कितना होगा इसके टू फिफ्थ का ही होगा ठीक है जी टू फिफ्थ कितना आ जाएगा एटीन लैख सिक्सटी थाउजेंड जो एडवाई फाइव इंटू टू तो बेटा सेवन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड हम अपनी एडमिन कॉस्ट सेव कर लेंगे कब अगर हम सर आउटसोर्स करते हैं तो चलिए आगे क्या बोला गया अ फैक्टर फर्म हैज ऑफर्ड टू मैनेज द कंपनी डेटर ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस यानी कि सर मेरा बैड डेट्स भी मेरा फायदा हो जाएगा अब मेरे बैड डेट्स इनका नहीं होंगे अगर बेटा पूरे साल के बैड डेट्स निकालो कितने हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे सर ये सेवन पॉइंट फाइव सी आर इंटू नाइन्टी परसेंट और इस पर पॉइंट सेवन फाइव परसेंट हमारे बैड डेट्स निकल के आ जाएंगे तो वो भी हमारी एक सेविंग हो गई है चलिए सर फैक्टर कमीशन कितना लेगा दो परसेंट लेगा तो सर ये हमारी कॉस्ट वन हो गई ये हमारा बेनिफिट वन हो गया ये हमारा बेनिफिट टू हो गया ठीक है जी आगे चलते हैं फैक्टर एग्रीज टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ फोर्टीन परसेंट ये सर हमारी कॉस्ट टू हो गई इंटरेस्ट रेट जाएगा हमारा एडवांस पे ठीक है जी एंड विद होल्डिंग अ ट्वेंटी परसेंट एज रिजर्व बेटा पिछले क्वेश्चन में दस परसेंट रिजर्व था इस बार ट्वेंटी परसेंट है मतलब सर कोई स्टैंडर्ड रिजर्व नहीं होगा क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा पेमेंट पीरियड गारंटेड अब ये लाइन देखो पेमेंट पीरियड गारंटेड बाई फैक्टर इज फोर्टी फाइव डेज फैक्टर ने कहा भाई मैं पैंतालीस दिन में तुम्हारा पैसा उगा के ले आऊंगा मतलब कलेक्ट करके ले आऊंगा ठीक है जी पैंतालीस दिन में फोर्टी फाइव डेज में तुम्हारा पैसा कलेक्ट करके ले आऊंगा कंपनी खुद कितने दिन में कर रही थी सेवेंटी डेज में ये कितने दिन में करके लाएगा फोर्टी फाइव डेज में मतलब सर ये पैसा रिकवर करके ले आएगा तो सर यह हो गया हमारा बेनिफिट नंबर थ्री जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा तो हमारी सर सेविंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा बेनिफिट नंबर थ्री द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट वन टाइम रिडेंडेंसी पेमेंट ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड बेटा वन टाइम आपको पेमेंट करनी है फिफ्टी थाउजेंड की फैक्टर को इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू फैक्टर कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑफ द कंपनी अब तो ये इफेक्टिव कॉस्ट क्या होता है भूल जाओ भी. अभी अभी सिर्फ देखो हमें नेट बेनिफिट निकालना है कैसे जितना हमें बेनिफिट हुआ और जितना हमें एक्सपेंस हुआ उसके बेसिस पे तो बेटा बेनिफिट देख लेते बहुत आसान है हमारी साथ जो क्रेडिट सेल हुई सेवन पॉइंट फाइव करोड़ का नाइनटी परसेंट उसका पॉइंट सेवन फाइव परसेंट हमारा बैड डेट होता था लेकिन अब नॉन रिकॉर्ड बेसिस पे तो अब नहीं होगा सो दिस विल बिकम माय सेविंग ठीक है एडमिन कॉस्ट सर एटीन पॉइंट सिक्स लाख की थी जिसमें से टू फिफ्थ अवॉइडेबल थी तो वहीं सेवन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड वहीं सेविंग हो गई है तो बेटा ये दो सेविंग आपकी आ गई है अब हम बात करते हैं सर एनुअल कॉस्ट की अभी इसको होल्ड पे करो पहले एनुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं एनुअल कॉस्ट क्या है बहुत सिंपल है जितनी है आपकी क्रेडिट सेल है ठीक है उस पर दो आपने कमीशन दे देना है पूरे साल में बेटा थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड आपका कमीशन चला जाएगा सर रिडेंडेंसी पेमेंट सीधे सीधे पचास हज़ार रुपये की ये हमने सर लेनी है मैंने आपको कहा था कि वो दो बेनिफिट और वो दो कॉस्ट आपकी हमेशा रहेंगी लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है तो यहाँ पर रिडेंडेंसी पेमेंट है अब बात करते हैं सर इन दोनों आइटम की बड़े ध्यान से जो इंटरेस्ट सेव हुआ है वो कितना होगा और सर जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट गई है वो कितनी होगी वो कंप्यूट कर लेते पूरे साल की बेटा यहाँ पे साढ़े सात करोड़ का नाइन्टी परसेंट हमारी सेल थी इस पर सर हमने नंबर ऑफ डेज सेव्ड ले लिए पिछले क्वेश्चन में कितने थे सर एटी माइनस सिक्सटी थे आई थिंक यहाँ पे सर सेवेंटी माइनस फोर्टी फाइव है क्योंकि सत्तर दिन में अभी तक हम करते थे अब हम फोर्टी फाइव डेज में करेंगे इंटू थ्री सिक्सटी ठीक है जी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी इंटू साढ़े बारह परसेंट जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट थी तो बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम पूरे साल में सर फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड का इंटरेस्ट बचा लेंगे आप कहोगे सर ये पूरा साल कैसे हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ डेज तो हमने पच्चीस ही कंसिडर करे बेटा हमने सेल पूरे साल की ले ली ना हमने सेल पूरे साल की ले ली इसलिए सर ये पूरा साल हो गया ठीक है जी हमने सेल पूरे साल की ले ली इसलिए पूरा साल हो गया है ठीक है तो बेटा यहाँ तक हमारी बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अब आते हैं हम सर इंटरेस्ट कॉस्ट में अब इंटरेस्ट कॉस्ट में ना सिंपल देखो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले एडवांस का अमाउंट निकालना है तो हम सर पहले ट्रेड रिसिवल निकालेंगे जब तक तो हमें ट्रेड रिसिवल नहीं पता तो हम उससे एडवांस का अमाउंट कैसे निकाल पाएंगे चलिए सर ट्रेड रिसिवल निकालते हैं साढ़े सात करोड़ की कितनी परसेंट सर साढ़े सात करोड़ की हमारी नाइंटी परसेंट क्रेडिट सेल है और सर हमारे सत्तर दिन के ट्रेड क्रेडिटर्स रहते थे तो बेटा ये निकालेंगे तो यहां पे हमें निकाल के दे रखा होगा हाँ जी देखिए ये दे रखा है साढ़े सात करोड़ का नाइंटी परसेंट हमारी क्रेडिट सेल हो गई इसमें सेवेंटी डेज के हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स कितने बन गए वन करोड़ थर्टी वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जब मैं फैक्टर को बेचने जाऊंगा तो मेरी बुक में ट्रेड डेटर्स होंगे वन करोड़ थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है मैं इनको बोलूंगा कि भैया इस पर तुम दो परसेंट कमीशन काट लो काट लिया जी उसने और फिर क्या काटेगा का वो बीस परसेंट रिजर्व रिजर्व किसका होगा सर डेटर्स के अमाउंट का तो उसका बीस परसेंट उसने रिजर्व रोक लिया तो बेटा नेट नेट कितना पैसा दिया वन करोड़ टू लैख थर्टी सेवन थाउजेंड उसने एडवांस देने के लिए तैयार हो चुका है ठीक है एडवांस में से बेटा वो इंटरेस्ट और काटेगा अब वो इंटरेस्ट कितने दिन का काटेगा सर उसने आज पैसा खरीदा वो कितने दिन बाद रिकवर करके दे रहा है सर फोर्टी फाइव डेज में ही रिकवर करके दे रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा जितने दिन में वो रिकवर करके दे देगा हम रिकवर करते थे सत्तर दिन में लेकिन फैक्टर रिकवर करके देगा पैंतालीस दिन में तो मतलब सर वो पैंतालीस दिन का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा तो बेटा आप यहाँ देखोगे जितना भी अमाउंट था इस पर हमने फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट कंप्यूट कर दिया फोर्टी फाइव डेज़ का तो बेटा ये हमारा आ गया है इंटरेस्ट ऑन एडवांस खाली इस एक एडवांस का पूरे साल का नहीं सिर्फ एक एडवांस का मतलब खाली पैंतालीस दिन का अगर हम इसे पूरे साल का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर वन सेवेंटी डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव इंटू थ्री सिक्सटी तो बेटा इस तरीके से पूरे साल का निकल के आ जाएगा तो बेटा पूरे साल का कितना आएगा अभी मैं यहाँ पे ये वाला कट कर देता हूँ ठीक है जी हमने सर कितना निकाला था वन सेवन नाइन वन फाइव सिक्स वन सेवन नाइन वन फाइव सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई फोर्टी फाइव तो बेटा यह आपका आ जाएगा वन सेवन नाइन वन फाइव सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई फोर्टी फाइव तो ये बेटा आ जाएगा आपका फोर्टीन थ्री थ्री टू फोर एट ऊपर बेटा कॉस्ट थी थर्टीन फिफ्टी और ये थी फिफ्टी थाउजेंड हमारी कॉस्ट तो बेटा टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई है इसमें मैं अगर प्लस कर देता हूँ थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड और प्लस कर देता हूँ फिफ्टी थाउजेंड तो बेटा हमारी टोटल कॉस्ट आ गई ट्वेंटी एट डबल थ्री टू फोर एट और हमारी बेटा बेनिफिट कितना था एटीन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड अगर मैं एटीन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड 187.5 को लेस कर देता हूं। तो बेटा जो मेरा बेनिफिट बचेगा ना कितना बचेगा 997060.5 ठीक है जी तो हमने सर नेट बेनिफिट निकाल दिया फैक्ट्री केस में कि हमें कितना बेनिफिट आने वाला है यानी कि अगर मैं पूरी बिग पिक्चर देखूं तो मैं कहूंगा कि भैया इतने रुपए की फाइनेंसिंग के लिए कितने रुपए की फाइनेंसिंग के लिए सर एक करोड़ दो लाख सैंतीस हजार सौ रुपए उठाने के लिए मुझे कितने इंटरेस्ट देना पड़ा और कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी है नेट नेट सर नेट नेट मुझे नाइन नाइन सेवन जीरो सिक्स जीरो कॉस्ट बियर करनी पड़ी है तो सर अगर मुझसे इंटरेस्ट लेवल पे या एक परसेंटेज लेवल पे पूछा जाएगा कि कितनी कॉस्ट है आपकी परसेंटेज में बताइए तो मैं क्या करूँगा पूरे साल की इंक्रीमेंटल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट बोल सकते हैं ठीक है जी एडिशनल कॉस्ट क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि सर कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है Energy, है ना जी कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है तो आपकी एडिशनल कॉस्ट है तो सर ये मुझे एडिशनल कॉस्ट क्यों बीयर करनी पड़ रही है क्योंकि सर मैं कुछ एडवांस अमाउंट उठा रहा हूं है ना जी सर कुछ एडवांस अमाउंट उठा रहा हूँ इसको डिवाइड कर देंगे उस एडवांस अमाउंट से कितना एडवांस अमाउंट है वन डबल जीरो फाइव एट थ्री फोर थ्री वन डबल जीरो फाइव एट थ्री फोर थ्री जितना आपको पैसा मिला उतना है आपका एडवांस आ जाएगा इसकी बेटा परसेंटेज कितनी आएगी नाइन नाइन सेवन ज़ीरो सिक्स ज़ीरो डिवाइड बाई वन डबल जीरो फाइव एट थ्री फोर थ्री तो बेटा ये आ गया नाइन पॉइंट नाइन वन परसेंट मतलब सब पूरे साल की कॉस्ट जितना मुझे एडवांस उठाना पड़ रहा है उस पर नाइन पॉइंट नाइन वन परसेंट आ रही है ठीक है जी तो बेटा हमारा जो बोरिंग हो रही है कंपनी में वो है साढ़े बारह परसेंट मुझे सर फैक्टर करा के पर डे नाइन पॉइंट नाइन वन परसेंट तो सर मैं उठा लूँगा ठीक है तो ये तो सर मैंने आपको बता दें क्वेश्चन कैसे करना है अब आप कहोगे सर ये इंस्टीट्यूट के सजेशन में इतनी सारी चीज़ें और क्या दे रखी हैं बेटा बताता हूँ देखो इन्होंने यहाँ पर ना दो तीन चार एक्जशन ली हुई हैं सारे सजेस्टेड आंसर दे रखे अच्छी बात ये है सबसे पहली एक्जम्पन उन्होंने क्या ली है कि भाई मैं सत्तर दिन के डेटस बेच रहा हूँ ठीक है उन्होंने दूसरा सिनेरियो निकाला है कि मैं फोर्टी फाइव डेज के डेटस बेच रहा हूं ठीक है तो उन्होंने दोनों सिनेरियो के अंदर डेटस बेच के दिखाएं कि मैं फोर्टी फाइव डेज के बेचूं या सेवेंटी डेज के बेचू पहली एजम्पन दूसरी एजम्पन क्या ली है उन्होंने कि सर मैं रिटर्डेंसी कॉस्ट को कंसिडर करूं या ना करूं तो बेटा एक तरीके से, से चार सीनारियों इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करके दे रखे हैं आपको कौन सा सीनारियो करना है सर जो मैंने आपको कराया क्या सीनारियो कराया बेटा मैंने आपको मैंने आपको कराया है कि जब आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड सेवेंटी डेज का है तो आप सेवेंटी डेज की डेटर्स बेचोगे ठीक है उसमें से बेटा आपको ट्वेंटी फाइव डेज का सेविंग हो जाएगी तो आपकी सेविंग आ जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बेटा आपकी उसी एडवांस में रहेगी जो सेवेंटी फाइव सेवेंटी डेज के हिसाब से जो डेटर्स आपके आएंगे ठीक है जी तो ये आप सिनेरियो करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर दे रखा है ये ये वाला नाइन पॉइंट नाइन वन ठीक है जी ये वाला सिनेरियो मैंने आपको फाइनली बताया नाइन पॉइंट नाइन वन वाला ठीक है जी तो सर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब आते हैं सर अपने एक और डाउट पे जो आपको आया होगा सर यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ली ठीक है जी सर यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ली क्या आपको बेटा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल दी गई है नहीं सर हमें कॉस्ट ऑफ सेल दी ही नहीं गई है जब बेटा दी नहीं गई है तो कैसे लोगे तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सेल्स अमाउंट ले लिया है ठीक है बच्चे कहते हैं सर इनकंसिस्टेंसी है इनकंसिस्टेंसी है भाई पहले पूरे फैक्ट्स को देखो पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी थी एट्टी परसेंट कॉस्ट बोला था तो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल ले ली थी यहाँ पे सर मैं कॉस्ट ऑफ सेल बताई नहीं तो हमने सेल्स अमाउंट ले लिया ठीक है जी तो देखो मैं ये कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट हमेशा सही होता है बहुत जाए गलत भी होता है लेकिन यहाँ पर वो सही है सेल्स लेने की नहीं क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल नहीं है चलिए जी तो हमने सर एक और क्वेश्चन देख लिया अब एक और क्वेश्चन देखेंगे इसका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है ये सर अभी लेटेस्टली एक एम में आया हुआ है तो हमने उसे भी कवर कर लिया है देखते सर क्या है सुकृत लिमिटेड हैज़ एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ सेवेंटी फाइव लैख बेटा क्रेडिट सेल ही रखी है सेवेंटी फाइव लैख की बेटा एक्चुअल क्रेडिट सेम है तीस दिन के बट मैनेजमेंट सर बहुत पुअर है और वो साठ दिन में कलेक्ट कर पाते हैं तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना तो हो गया सिक्सटी डेज ठीक है जी बैड डेट बेटा वन परसेंट है फैक्टर इज ऑफर टू टेक ओवर द टास्क ऑफ डेट एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट चेकिंग एट एन एनुअल फीस ऑफ डेढ़ बेटा हमारी कॉस्ट बेट वन दे दी उन्होंने ये हमारी कॉस्ट वन दे दी उन्होंने निकाल के ठीक है जी सुक्रुद एस्टिमेट दैट इट वुड सेव फोर्टी फाइव थाउजेंड पर ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लो जी लो सर हमें बेनिफिट वन दे दिया कि भाई फोर्टी फाइव थाउजेंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी ड्यू टू एन एफिशियंसी ऑफ द फैक्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड कम डाउन टू थर्टी डेज वो कह रहे जो फैक्टर है वो थर्टी डेज पर आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड ले आएगा यानी कि सर आपका ये बेनिफिट हो जाएगा बेनिफिट टू एंड बेड डेट्स वुड कम टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑन रिकोर्स बेसिस रिकोर्स बेसिस क्या होता है सर जब वो हमसे पैसे ले सकता है बेड डेट्स के तो पहले कितने होते थे वन परसेंट अब कितना होता है पॉइंट फाइव परसेंट तो मेरा सर बेनिफिट कितने का होगा वन माइनस पॉइंट फाइव परसेंट का ठीक है यानी कि सर ये हो गया आपका बेनिफिट थ्री तो तीन बेनिफिट आ गए एडमिन कॉस्ट से दूसरा सर हमारे नंबर ऑफ डेज घट गए सिक्सटी से थर्टी डेज रह गए और तीसरा बेनिफिट है सर मेरा जो बैड डेट था वो एक परसेंट से आधा परसेंट हो गया वो आधा परसेंट अब भी मुझे ही करना है इससे मेरी सेविंग खाली आधे परसेंट की हुई है ठीक है जी बेनिफिट्स सा तो हमारे सारे शॉर्ट हो गए कॉस्ट हमें सर कमीशन की दे रखी है बात क्या रह गई सर कॉस्ट खाली इंटरेस्ट कॉस्ट रह गई वो देख लेते हैं अब बेटा इसमें देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है ध्यान से पढ़ना द फैक्टर वुड पे नेट एडवांस ऑफ एट्टी परसेंट टू द कंपनी यहाँ पे रिजर्व की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है नेट एडवांस एट्टी परसेंट पे कर देंगे मतलब जितना भी ट्रेड रिसिवेबल है उसका एट्टी परसेंट नेट एडवांस पे हो जाएगा जब रिजर्व होती है तब हम ऐसा मत कर देना अच्छा एट्टी परसेंट होगा तो ऐसा करते हैं टोटल का ट्वेंटी परसेंट रिजर्व मान लेते हैं ठीक है फिर हम ट्रेड ट्रेडियुअल में से कमीशन माइनस करेंगे और रिजर्व माइनस कर देंगे नहीं अगर उसने लिखा है कि एट्टी परसेंट पे करूंगा तो एट्टी परसेंट ही पे करूंगा ठीक है तो एडवांस का अमाउंट यहाँ पे एट्टी परसेंट हो जाएगा तो कह रहे हैं कि द फैक्टर वुड पे नेट एडवांस ऑफ एट्टी परसेंट टू द कंपनी एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट तो बेटा आपकी कॉस्ट टू आ गई जितना भी एडवांस होगा उस पर आपकी कॉस्ट आ जाएगी सुकृत लिमिटेड इज करेंटली फाइनेंसिंग इट रिसबल अब देखो अभी तक ये अपने रिसेबल कैसे फाइनेंस करता था एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से जिसपे दस परसेंट ये ईयर पर ईयर देते थे मतलब सर जो इनके रिसीवेबल्स का अमाउंट है मेरी बुक्स में जो एसेट है उसके अगेंस्ट मैंने ओवरड्राफ्ट ले रखी थी 10 परसेंट जिसमें मैं ब्याज दे रहा था एंड विल कंटिन्यू टू फाइनेंस द बैलेंस फंड नीडेड थ्रू द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो कह रहे अगर मैं मान लो फैक्टर करा भी लेता हूँ देखो क्या हुआ अभी तक मान लीजिए मैं सौ रुपये ओवर से ले रहा था फैक्टर आया उसने कहा मैं अस्सी रुपये दे दूँगा सर बचे तो बीस है ना तो बीस में अब भी ओवर ड्राफ्ट कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपने अस्सी रुपये तो फैक्टर से ले लिए एडवांस फ्रॉम फैक्टर आ गया लेकिन बीस रुपये का आप अब भी जो बचे हुए बीस रुपये वो अब भी ओवर कराते रहेंगे ठीक है इफ़ आकर ठीक है ये तो ठीक है वो कह रहे हैं भैया एक्सेप्ट करनी रिजेक्ट करनी पहले बताओ और थ्री सिक्सटी डेज इन अ ईयर एज्यूम कर लो तो सबसे पहले बेटा अगर हम बेनिफिट पे आएँ एडमिन कॉस्ट बची है मेरी बहुत ही बढ़िया बात है सर पूरी सेल का पॉइंट फाइव परसेंट मेरा क्या बचा है सर पूरी सेल का पॉइंट फाइव परसेंट बचा है मेरा बैड डेट ठीक है जी ये दोनों बेनिफिट हो गए हमारे एक बेनिफिट वन एक बेनिफिट टू अभी बेनिफिट थ्री की बात करते हैं पहले बाकी देख लेते हैं सर कमीशन की बात करें तो डेढ़ है सेवेंटी लाख का तो वन आ गया एनुअल चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट और सेविंग की चलिए एक एक करके करते हैं सबसे पहले सर अगर मैं इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करूं तो बेटा मैंने सेवेंटी फाइव लेख सेल अमाउंट था मेरे डेटर से जिसके अगेंस्ट मैंने ओवर ले रखा था बेटा मैं कितने दिन में कलेक्ट करता था अभी फैक्टर नहीं आया फैक्टर से पहले मैं कितने दिन में कलेक्ट करता था सिक्सटी डेज़ में तो बेटा टेन परसेंट सिक्सटी डेज में मतलब सर वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के मैं इंटरेस्ट कॉस्ट पे करता था अब आपके दिमाग में ये आएगा सर वेट अ मिनट सर ये तो हमारी खाली सिक्सटी डेज की कॉस्ट है नहीं हमारे डेटर्स कितने होते बेटा पिचहत्तर लाख इंटू सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी बेटा आपके डेटर्स कितने हैं सर डेटर्स आ गए मेरे कैलकुलेट कर लेते सेवेंटी फाइव बेटा साढ़े बारह लाख के तो बेटा बेसिकली आपने साढ़े बारह लाख का लोन लिया हुआ होगा साढ़े बारह लाख पे दस परसेंट आपने इंटरेस्ट पे किया होगा वन पॉइंट टू फाइव लैख तो हमने सही पूरे साल का ही निकाला है ऐसे मत सोचना सिक्सटी डेज़ का निकाला है ये सिक्सटी इंटू थ्री सिक्सटीज नहीं कराया जिससे हम डेटर्स निकाल सकें ठीक है तो हमने सर पूरे साल में डेटर्स पे कितना इंटरेस्ट देते थे वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये तो पुरानी बात थी अब आते हैं हम नई बात में जब हमने फैक्टर करा लिया जब हमने फैक्टर कराया तो बेटा हमारे जो डेटर्स थे वो अब कितने होंगे थर्टी डेज़ के होंगे तो यानी कि सर अब मेरे डेटर्स होंगे सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के इसमें से सर डेटस हमें कितने एडवांस कर रहा है चलिए तो बेटा हमसे डेटस ने क्या कहा है डेटस ने बोला है सॉरी फैक्टर ने बोला है हमें हो गया यहाँ पे कि भाई जितना भी एडवांस आएगा मैं उसका एट्टी परसेंट पे करूंगा और रिजर्व रखूंगा दस परसेंट मतलब सर जो पहले हम एडवांस वाला अमाउंट निकालते थे ना उसका भी एट्टी परसेंट पे करेगा ऐसा नहीं है वो पूरा पे कर देगा उसका भी एट्टी परसेंट पे करेगा तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या करा पहले से हमने डेटस निकाले तीस दिन के फिर हमने सर दस परसेंट फैक्टर लेस करी बेटा फैक्टर कमीशन लेस कर दिया डेटर पे वन पॉइंट फाइव परसेंट तो हमने कहा नेट एडवांस आएगा फाइव फाइव थ्री वन टू फाइव इस पर बेटा एट्टी परसेंट ही हम पे करेंगे तो यानी कि फोर फोर्टी टू फाइव हंड्रेड तो बेटा फोर फोर्टी टू फाइव हंड्रेड एडवांस पे होगा उस पर पूरे साल की इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड तो बेटा जो हमारी कॉस्ट आती है पूरे साल की इंटरेस्ट पे कितनी आएगी फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड वो आ गई चलिए जी बहुत ही बढ़िया बात है अब बात करते हैं सर अगर मैंने अगर मैंने सर सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के डेटस से इसके पूरे अगेंस्ट मुझे ओवरड्राफ्ट उठाना था मुझे जो एडवांस मिला है खाली फोर फोर्टी टू मिला है यानी कि मेरे पास अब भी कितना पैसा मुझे बैंक से लेना पड़ेगा टोटल डेटस से ये ठीक है देखो ये वाला सिनेरियो था पहले का जब हम फैक्टर नहीं ले रहे थे अब जब फैक्टर लेंगे तो मेरे डेटर्स भी कम हो गए तो डेटर्स माइनस मैंने क्या करा सर डेटर माइनस मैंने जितना एडवांस मुझे मिल गया उससे और तो बचा हुआ कितना आ गया सर वन एट्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बेटा ये अमाउंट का मैं अब भी ओवर ड्राफ्ट लूँगा तो इस पर क्या करा मैंने वन लैख एट्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे टेन परसेंट यानी कि एटीन थाउजेंड टू फिफ्टी मुझे पे करना पड़ेगा यानी कि अगर सर मैं डेट फैक्टर नहीं लेता तो मैं ओवर ड्राफ्ट का कितना इंटरेस्ट पे करता पूरे साल में वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब बेटा मैंने जब एड डेट फैक्टर ले लिया है डेटस बेस दिए हैं तो मुझे ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है खाली एटीन थाउजेंड किस अमाउंट पे सर जो नॉन एडवांस अमाउंट है मेरे पास उस पर सर मुझे एटीन थाउजेंड टू फिफ्टी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है यानी कि ओवर के इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में मेरी सेविंग कितनी हो गई है सर मेरी सेविंग हो गई वन लाख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस सॉरी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो मैं पहले देता और अब मैं कितना दे रहा हूँ सर एटीन थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है जी तो इस तरीके से मुझे ओवर ड्राफ्ट पे वन लैख सिक्स थाउजेंड सेवन फिफ्टी की इंटरेस्ट की सेविंग हुई है ठीक है जी तो बेटा टोटल सेविंग आ गई हमारी टोटल कॉस्ट आ गई हमने कहा सर नेट बेनिफिट हो रहा है हमें तो जाओ भाई फैक्ट्री सर्विसेज को ले लो ठीक है तो बेटा ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जहां पर आपको ओवरड्राफ्ट का रोल काफी बढ़ा दिया था अब बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना देखो यहां पर ना जब हमने एडवांस निकाले हैं तो आप देखोगे आप जब पिछले क्वेश्चन से इसे कोरिलेट करोगे बेटा पिछले क्वेश्चन में भी हमारे डेटस रिड्यूस हो रहे थे हाजी से वहाँ पे रिड्यूस हो रहे थे वहाँ पे सेवेंटी से फोर्टी फाइव डे हो गए थे यहाँ पे सिक्सटी से थर्टी डे हो गए थे यहाँ पे सर वहाँ तो सर हमें दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा रखा था कि ट्रेडिसी वर्ल्ड सेवेंटी भी ले सकते हो फोर्टी फाइव भी ले सकते हो यहाँ पर हमें सर खाली थर्टी डेज से बोला है तो बेटा इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है कि आप यहाँ पर सिक्सटी डेज लेके भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो वो आपका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन होगा इसका मतलब सर इंस्टीट्यूट दोनों चीजों को बोलता है कि आप कर सकते हो या तो जो पुराना एवरेज कलेक्शन पीरियड था उस पर भी आपको एडवांस मिल सकता है जो नया कलेक्शन पीरियड है उस पर भी आपको एडवांस मिल सकता है ठीक है जी तो जो आप डेटर्स बेचोगे वो न्यू एवरेज कलेक्शन पीरियड और ओल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों पे निकाल सकते हैं ये इंस्टीट्यूट ने हमें इस बार मई चौबीस में जाके क्लैरिफाई करा इससे पहले आके क्लैरिफाई नहीं करा था ठीक है पहली चीज दूसरी चीज सर यहाँ पे भी हमने डेट्रस पे ही इंटरेस्ट निकाला है क्यों क्योंकि अगेन यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ़ सेल अवेलेबल नहीं है अगर कॉस्ट ऑफ सेल होगी तो हम कॉस्ट ऑफ सेल पे ही निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि कहीं पे कॉस्ट ऑफ सेल कहीं पे क्रेडिट सेल नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा हर एक जगह हमारी कॉस्ट ऑफ सेल पर ही निकाली जाएगी अगर नहीं दे रखी है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हम सेल अमाउंट पर निकाल देंगे चलिए जी तो इस तरीके से बेटा जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन थे फैक्ट्री के वो हमने कंप्लीट कर लिए बेटा एक घंटे कट आ गया था हमारा इस वीडियो को बनाने का एक घंटे में हमने पूरी बना ली अब सर ज़रा एक बार नोट्स देख लें आज जी बेटा नोट्स बिल्कुल देख लेते हैं ये बेटा स्टडी के नोट्स हैं मैं बताता हूँ आपको एनुअल सेविंग ऑन फैक्टरिंग क्या क्या है सर कॉस्ट ऑफ एडमिन कॉस्ट सेल बैड डेट्स अवॉइडेड सर जो हमारे बैड डेट्स बचे वो इंटरेस्ट सेव ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज कलेक्शन पीरियड घटने से जो हमारा इंटरेस्ट सेव हुआ कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एनुअल क्रेडिट सेल इू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू सर जितना हमारा डेज का रिडक्शन हुआ डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी या थ्री सिक्सटी फाइव जैसा क्वेश्चन ने बोला हो एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकालते हैं सर फैक्टरिंग कमीशन हो गया आपका पूरे सेल्स से परसेंटेज ऑफ कमीशन ठीक है उसके बाद बेटा अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस इंटरेस्ट चार्ज कितना होता है सर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये पूरे साल का निकल के आ जाएगा ठीक है सर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस कैसे निकालते हैं बेटा जितना भी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड था इन क्रेडिट सेल अब ये कैसा हो सकता है ये सर न्यू भी हो सकता है और ये ओल्ड भी हो सकता है हमने सर देखा इंस्टीट्यूट ने दोनों हमें सोल्यूशन दे रखे हैं फैक्टरिंग कमीशन बेटा जितने ही डेटस है उसमें से उसका कमीशन लेस कर दो खाली इन डेटर्स का और बेटा जितने डेटर्स है उसमें से रिजर्व लेस कर दो तो आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस निकल के आ जाएगा अगर सर हमें परसेंटेज में निकालना हो कि भैया कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या है तो हम कहेंगे नेट एनुअल कॉस्ट जैसे बेटा हमने देखी थी नाइन निकाली थी तो वहाँ पर नाइन लैक् था सर हमारे नेट एनुअल कॉस्ट तो नेट एनुअल कॉस्ट निकाल देंगे डिवाइड बाई अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस या फिर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस माइनस इंटरेस्ट डिडक्टेड दोनों कर सकते हो डिनोमिनेटर में मतलब मान लीजिए आपके दस लाख के डेटर हैं दस हज़ार का कमीशन है एक लाख का रिजर्व है तो अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस कितना आ गया आपका सही आ गया एट लाख नाइन्टी थाउजेंड आ गया नहीं आ गया हाँ जी सर इसमें से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं इंटरेस्ट मान लेते हैं पचास हज़ार का अभी मुझे नहीं पता कितना है मान लेते हैं पचास हज़ार था तो आपको नेट कितना पैसा मिला एट लाख फोर्टी थाउजेंड तो सर जो हम एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालते हैं वो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आप इस पर भी निकाल सकते हो इस पर भी निकाल सकते हो मतलब जितनी भी पूरे साल की कॉस्ट है जितनी भी पूरे साल की कॉस्ट है नेट कॉस्ट डिवाइड बाई आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो मेरा रिकमेंडेशन मानना कि आप इसको लेना क्यों क्योंकि नेट नेट पैसा हमारे पास यही रिसीव हुआ है ठीक है तो इंस्टीट्यूट की वजह से मैंने दोनों दे दिया लेकिन अगर आपका ये आला पैसा आ रहा है आप ये इसको ही रिसीव करेंगे ठीक है मान लीजिए सर आपकी जो कॉस्ट आती है वो आती है नाइन परसेंट और जो आप बॉलिंग उठा सकते हो वो उठा सकते हो टेन परसेंट पे तो हम कहेंगे भैया फैक्ट्री में चले जाओ फैक्ट्री में फायदा है ठीक है जी तो इस तरीके से बेटा आपका फैक्ट्री हो गया है ये चारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं इन चारों क्वेश्चन के बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है चलिए जी तो बेटा इसको हम कंक्लूड करते हैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन सारी चीज़ें दूर हो गई होंगी अब आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी फैक्ट्री के अंदर कभी भी चलिए जी इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं टाटा बाबा टेक केयर और हाँ बेटा जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा कॉस्टिंग विद सी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्लस किसी बच्चे को बेटा का कोई भी क्वेरी है तो मेरे से वो वन टू तो वन डायरेक्ट फोन पे कनेक्ट कर सकता है या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है इसी नंबर पे ठीक है जी तो आपकी क्वेरी है मेरे को व्हाट्सएप भेज के कॉल कर दीजिए मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा चलिए टाटा बा बाई टेक केयर सी इन ने द नेक्स्ट क्लास और कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा आपको और कौन से टॉपिक पे ऐसे ही क्लैरिफाइड वीडियो चाहिए जिसमें आपको सारी चीज़ें सारी एक्जम्पन जितने भी झोल झाल है जो सर कोई बताता ही नहीं है वो आपको पता चल जाए चलिए जी टाटा बाबा एंड टेक केयर